समस्त प्रदेशवासियों से IBN 9 हाथ जोड़कर ये अपील करता है कि लाचार नहीं, जिम्मेदार बनिए। आप सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित, परिवार सुरक्षित तो राज्य, राज्य सुरक्षित तो देश सुरक्षित। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करें और सभी प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहकर कोविड वैक्सीनेशन की क्रांति में हिस्सेदार बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए मुखातिब होते हैं अभी के ताजा तरीन हालातों से। कोरोना संक्रमण वायरस की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को आज तीसरे दिन नगर के व्यापारी जिनके प्रतिष्ठान लॉकडाउन में बंद हैं, वे पुनः खातेगांव पुलिस थाने पर पहुंचे, जहां अधिकारियों से दुकान प्रतिष्ठान खोलने की बात रखी गई। SDM संतोष तिवारी, थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने दुकानदारों से चर्चा करते हुए उन्हें बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा आपके हित में ही निर्णय लिया जा रहा है। शासन प्रशासन भी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का आपको या आपके परिवार को नुकसान हो। आप हम सब मिलकर इस महामारी को कैसे हरा सकते हैं, इस पर विचार करें। बीमारी का रूप बड़ा ही विकराल होता जा रहा है, इसलिए सावधानी के साथ कार्य करें। मंगलवार को भी सभी व्यापारियों से पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। मंगलवार को आपने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद कर लॉकडाउन का पालन करें। शाम तक जो भी निर्णय आएगा आप सभी व्यापारियों को बता दिया जाएगा। लॉकडाउन में आप पूर्ण सुरक्षा के साथ घर पर रहें। इस संबंध में सराफा व्यापारी प्रदीप काला ने पुलिस थाना परिसर में लगे लाउडस्पीकर से सभी व्यापारियों के समक्ष शासन प्रशासन के साथ हुई चर्चा से उन्हें अवगत कराते हुए आज सभी 100% अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जिन दुकानों को लॉकडाउन में छूट है वही दुकानें खुली रखे का आह्वान किया। SDM संतोष तिवारी ने व्यापारियों को शासन प्रशासन की गाइडलाइन से अवगत कराया। प्रशासनिक अमला नगर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च करता हुआ निकला। स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ में व्यापार भी चलता रहे। आप सबकी बात वरिष्ठ प्रशासन को भेजी है, जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर बात की है। उम्मीद है कुछ ऐसा आदेश कुछ को ज्यादा शाम तक हो जाना चाहिए जिससे हमको आपको किसी को परेशानी नहीं होगी। आग्रह यही है कि अभी तक जब तक कोई आदेश नहीं होता है तब तक हमको आपको सबको मिलके कोरोना को हराने के लिए जो गाइडलाइन अभी तक जारी है उसका सभी को पालन करना है। उसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। आज नए साल में सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें इस संकट से पूरा शहर पूरा क्षेत्र बहुत जल्दी उभरे, इसी शुभकामना के साथ हुए धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही बादस्तूर IBN 9 के साथ जारी रहेगा। आप बने रहिए IBN 9 पर। हर खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आपके पास है अगर कोई विज्ञापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें।